उम्मीद नहीं थी यार, इतनी उम्मीद नहीं थी। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज आर एन 5M अपने पास है और इसका करेंगे आज माइलेज टेस्ट। तो पहले इसके अंदर है थोड़ा सा पेट्रोल और खाली करने के लिए बोला था, ये भाई साहब उतना खाली नहीं कर पाए हैं। तो पहले इसको पेट्रोल खाली करते हैं और इसको सुखा देते हैं टंकी, फिर उसके बाद इसमें पेट्रोल डालेंगे 1 लीटर और देखते हैं सर्विस से पहले। फर्स्ट अभी सर्विस नहीं हुई है इसकी, अभी बाइक चली है 600 कितना चली है कौन, तो 650 चली है बाइक। तो इसका जो है फर्स्ट सर्विस के बाद अभी माइलेज चेक करेंगे कि क्या अपग्रेड होता है। तो अभी फ़िलहाल फर्स्ट सर्विस से पहले का हम लोग चेक कर रहे हैं। बाइक चल चुकी है 650 किलोमीटर और थोड़ा रफली नहीं चलाया गया है, बहुत नॉर्मली इसने चलाया है। ये 70 से ऊपर नहीं लेके गया है, 70-80। तो आज भी अपने लोग कोशिश यही करेंगे 90 के ऊपर ना बाइक लेके जाए और थोड़ा ट्रैफिक में घुसने कोशिश करेंगे। बट अभी सुबह का टाइम है तो उतना ट्रैफिक अपने को मिलेगा नहीं, बट ये भी है कि तो थोड़ा सा अगर आप ट्रैफिक में लेके जाओगे तो 1 से 2 आप गिरा सकते हो, इससे ज़्यादा माइलेज उसका नहीं गिरा सकते हो। तो मेरा तो मानना ये कि कम से कम कुछ नहीं तो 42 तक तो देगी। मेरी जो बाइक है इसका मैंने किया था वर्जन 3 का, तो ये 54 दिया था इसने, बट मेरे थोड़ा सा ओल्ड हो गई है और काफ़ी ख्याल रखा हम लोगों ने, मोटिल का इंजन ऑयल हमेशा डलवाते हैं। तो देखते हैं, फिलहाल टंकी करते हैं खाली। तो बोतल हो गई है खाली, बिहाइंड द सीन नहीं है ये, व्लॉग का ही है, मैं वो वाले नहीं करता ना, प्रोफेशनल ज़्यादा व्लॉग्स नहीं होने चाहिए। तो पेट्रोल तो यार दिख रहा है अच्छा खासा। चलो भैया निकालो, ये मैंने अपने यहाँ का वॉशिंग मशीन का पाइप काटा, हम लोग पास पाइप नहीं थी गरीबी बहुत है ना तो इसमें से फिलहाल 2 लीटर पेट्रोल निकल चुका है। अभी 1 लीटर जो अपना माइलेज टेस्ट के लिए निकालना है वो ये है। तो 1 लीटर वाली ये बॉटल तो तुरंत भर जाएगी यार। अरे भरेगी भरेगी, देखा जाएगा उसके बाद। नहीं खत्म हो रहा है, और अंदर डालू, खत्म हो गया। देख जरा टंकी, मतलब कि आखिरी ब्लिंक पे 3 लीटर और आई थिंक बस इतना 1 लीटर होता है। तो 1 लीटर ये कंप्लीट हो गया है, जहां बंद पड़ेगी ये 2 लीटर वाली बोतल रहेगी साथ में, उसको डाल लेंगे आप। चलो फिर अब इसका पहले पेट्रोल सुखाते हैं, लास्ट वाला झटके देके बंद जब तक ना हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सो बाइक बहुत देर से चला रहा है, एक झटका खा के बंद हो चुकी है बाइक, तो इसका पूरा पेट्रोल निचोड़ते हैं। जब तक ये पूरा इसके अंदर का पेट्रोल एक एक बूंद चूस नहीं लेती तब तक इसके अंदर पेट्रोल नहीं डालेंगे, क्योंकि हमें पूरा का पूरा 1 लीटर का माइलेज निकालना है कि कितना माइलेज दे रही है, कितना एवरेज दे रही है। तो ये बंद होने वाली है और ये बंद, सो फाइनली हो गई बंद। इसमें पेट्रोल बिल्कुल भी नहीं है, ये सेल्फ मार के दिखा देता हूँ मैं। तो एक सेल्फ, दो ज़्यादा सेल्फ नहीं मारेंगे क्योंकि इस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये हो गई बंद, तो डालते हैं इसमें पेट्रोल। अब बाइक किनारे लगा लो, इसके पेट्रोल डालते हैं, आपको टंकी दिखा देते हैं। एकदम सूख गई है, कैमरा घुसेड़ दो भाई, एकदम बिल्कुल सूख गई है। अब इसमें डालते हैं 1 लीटर पेट्रोल, ये 1 लीटर से इतना से ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है और ये उतना गिर जाएगा। तो इधर साइड से डालते हैं, इधर साइड से कंफर्टेबल नहीं हो रहा। ओके, जैसा कि मैंने बोला था हल्का सा गिरेगा, वो देखो हल्का सा किनारे किनारे गिर गया है। इसका करते हैं ट्रिप 0, ये है ट्रिप 1, ट्रिप 1 को करते हैं 0। ये हो गई ट्रिप 1 0 और ट्रिप 2 को भी 0 कर देते हैं।
तो ट्रिप वन ये हो गई, ट्रिप 10 और ये हो गई ट्रिप 20। ओके, ट्रिप 10 और ट्रिप 20। तो लेट्स गो, हेलमेट पहनते हैं। तो बाइक मेरे पीछे रहेगी ताकि कोई दिक्कत हो भी। वैसे मैंने पेट्रोल 2 लीटर रख रखा है। तो चलते हैं, थोड़ा सा लखनऊ को भी एक्सप्लोर करके दिखाते हैं आपको और थोड़ा सा स्ट्रीट में रहने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स गो, ट्रिप 0 यहाँ से आप देख सकते हो। तो फिलहाल हम लोग अभी हैं तेलीबाग के एरिया में, तो ट्रैफिक का एरिया है इधर साइड, थोड़ा सा उधर साइड पे चलते हैं रायबरेली रोड हाईवे पे। तो काफ़ी स्मूथ चल रही बाइक यार। और इससे पहले जो वाली इसकी सेगमेंट्स थी लाइक वर्जन थ्री का मैंने माइलेज टेस्ट किया था, तो माइलेज टेस्ट में वो तो 54 गई थी। जी, इसको मैं चेकआउट कर रहा हूँ कि हो सकता है ये 40 तक तो मेरे हिसाब से जानी चाहिए, आई थिंक 42 तो जानी चाहिए। और अगर मेरे को अगर ज़्यादा उम्मीद की मैं बात करूँ तो मुझे लगता है ये कम से कम कुछ नहीं तो आराम से इसको जाना चाहिए, मान के चलो कुछ नहीं तो 45 to 48। फर्स्ट सर्विस नहीं हुई है इस वजह से मैं इसको 40-42 को मैं बोल रहा हूँ, बट अप्रॉक्स इसका जो माइलेज है फर्स्ट सर्विस के बाद वो जाएगा, आई थिंक फर्स्ट सर्विस के बाद जो इसका माइलेज जाएगा वो अप्रॉक्स जाएगा मान के चलो कुछ नहीं तो 50 तक। तो ये तो आर ओन फाइव की सबसे बेस्ट बात है कि माइलेज में ये लोग कमी नहीं देते हैं, सबसे बेस्ट चीज़ यही आर ओन फाइव की। ट्रैफिक जैसा मैंने बताया था, तो ट्रैफिक से लेके चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक का भी माइलेज हमको दिखाना है कि सिटी में कितना माइलेज देती है। थोड़ा सा इसमें मैं आपको बताऊं कि R15 में मेरे को थोड़ा सा जो अभी कमी लगी है वो ये है कि इन लोगों ने जो ये वाला दे रखा है पैनल वो मेरे पैरों से लड़ रहा है जब मेरी बाइक खड़ी हो रही है, तो इधर साइड और इधर साइड दोनों साइड पैरों से लड़ रहा है। तो इन लोगों का ये कर सकते थे कि पैनल को थोड़ा अंदर कर सकते थे, क्योंकि आप अगर बार बार ट्रैफिक में रुकोगे ना तो ये आपके घुटनों पे थोड़ा सा हार्म कर सकती है। तो ये थोड़ा सा एक चीज़ पॉइंट करने वाली है जो कि किसी ने नहीं बताया होगा, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी मैंने जो एक्सपीरियंस किया वो मैं बताता जा रहा हूँ। और अब अपने लोग आ गए हाईवे पे, आपको दिखाते हैं इसका क्विक शिफ्टर कैसे कितना बढ़िया काम करता है। ठीक है, ओके, तो थोड़ा सा ऊपर आ जाए अपने लोग क्योंकि हाईवे पे अब चढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो ऊपर आ जाए तो फिर मैं ज़ीरो करके बाइक की स्पीड फिर उसके बाद क्विक शिफ्टर का यूज़ करूँगा। तो अब करते हैं क्विक शिफ्टर को यूज़। ये मैं पहले वाले में झटका ले रही, दूसरे वाले में आप देख सकते हो मेरा हैंड इधर है, आपको हल्का सा ये करना है ये, तो बहुत ज़्यादा स्मूथ है इसका क्विक शिफ्टर, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि 155 के सेगमेंट में अगर क्विक शिफ्टर आपको मिल रहा है इस बजट में तो बहुत बड़ी चीज़ है जो कि पैसों को वर्थ करती है। तो बाइक अपनी चल चुकी है 31 किलोमीटर्स और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है और हल्का सा प्लेन रोड पे थे अपने लोग, अब ट्रैफिक में भी थे बीच में और अब जो है मेन ट्रैफिक में जा रहे हैं। मतलब ये है कि लाइक हम लोगों ने थोड़ा प्लेन रोड पे कम से कम 5 से 6 किलोमीटर तक गाड़ी हम लोगों ने प्लेन रोड पे चलाई है जिस पे कोई ट्रैफिक नहीं मिला है। और ट्रैफिक वाले रास्ते पे अपने लोग पहले गए थे, अब फिर वापस ट्रैफिक वाले ही रास्ते पे जा रहे हैं। तो चलते हैं अब कहीं, लेते हैं ब्रेक कुछ देर का क्योंकि नाश्ता किया नहीं था हम लोगों ने, तो हम लोगों को चाय भी पीनी है और कुछ खाना भी है। और तो ये यहाँ का बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पे विशेष पूरी होती है, लाइक आप देख रहे हो बेल बंधी हुई है। तो और ये जस्ट पुल के बगल में है, तो ये मरी माता का मंदिर बोलते हैं इसको, और यहाँ पे लोग बेल बांधते हैं और उनकी विशेष पूरी हो जाती हैं, लाइक तो अगर ऐसा है तो बहुत अच्छी चीज़ है। और यहाँ पे काफ़ी मान्यता है, बाहर बाहर से लोग आते हैं। ये मंदिर जो है अर्जुनगंज में है स्थित, थोड़ा सा हिंदी वर्ड यूज़ होता है टेम्पल्स वम्पल्स के मामले में तो ज़्यादा सही रहता है। तो ये अर्जुनगंज में बेसिकली है मंदिर, अगर आप लोगों में से किसी को विज़िट करना है तो आप आ सकते हो यहाँ पे। कैंट वाला रोड जो है उतरेगा उसी के जस्ट सामने है ये। तो बाइक अपनी चढ़ चुकी है 33.8 किलोमीटर और अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है।
तो बाइक अपनी अब चल चुकी है 38.2 किलोमीटर्स। तो अब रुकते हैं कहीं नाश्ते के लिए, और अभी 40 टच करने वाली है ये, तो अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, और आई थिंक 45 प्लस जाएगी मुझे ऐसा लग रहा है। तो चलते हैं, पहले कहीं रुकते हैं नाश्ते के लिए, फिर उसके बाद वापस 5 किलोमीटर्स टू 7 किलोमीटर्स की और रन रह जाएगी, तो वो नाश्ते के बाद, क्योंकि भूख बहुत तेज लगी हुई है। नाश्ते के लिए रुके हुए हैं, अब यहाँ से थोड़ा नाश्ता करेंगे फिर उसके बाद निकलेंगे। 38.8 चली हुई है। नाश्ते में लिया पहले एक एक सैंडविच, अब मैगी बोल दिए, चाय आ जाए, फिर उसके बाद वापस माइलेज टेस्ट। भाई सर दर्द होने लगा है, करते यार, मैगी आ गई है, चाय इधर है, तो नाश्ता वास्ता हो गया, अब चले बाइक का और पूरा माइलेज निकाला जा। तो 39 किलोमीटर्स रन हो चुकी है, अब इसको देखते हैं कि कब तक, कहाँ तक जाती है। 40 तो आराम से टच हो गई बिना किसी दिक्कत के, तो मुझे तो लग रहा है ये आराम से जानी चाहिए 45। तो अपने लोग अभी गाड़ी घुमा रहे हैं कि कितना इसको इधर उधर घुमा के सिटी में ही माइलेज टेस्ट कंप्लीट हो जाए, अब वापस हाईवे वगैरह पे ना चढ़ना पड़े, ज़्यादा सही रहेगा। तो गाड़ी अपनी रन कर चुकी है 43.3 किलोमीटर्स, जो कि अब 45 टच करने वाली है। ये बहुत बड़ी चीज़ है भाई कि 45 ये टच करने वाली है। अभी तक कोई भी 1% का झटके नहीं लगे हैं। लाइक होता है फ्यूल, लो फ्यूल होता है तो पहले इंडिकेट कर देती है, और लो फ्यूल होने के बाद 1 से 1.5 किलोमीटर जाती है, मतलब ये है कि 47 तो अप्रॉक्स ही जाएगी। अगर ये अभी झटके देती है तो, अगर 1-2 किलोमीटर बाद देती है तो ये 49 तक जाएगी। तो अब ये कहाँ तक जाती है, अभी पहला झटका दे चुकी है, तो अब देखते हैं, मेरे हिसाब से 1 से 2 किलोमीटर मैक्स टू मैक्स जाएगी। ओ भाई क्या ही माइलेज दे रही है ये उम्मीद नहीं थी यार, इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना देगी विदाउट सर्विस, इतनी उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी मुझे। तो दूसरा झटका आया, इसको लास्ट तक ले चलेंगे जब तक गाड़ी बंद नहीं हो जाती, क्योंकि जब तक गाड़ी बंद नहीं हुई थी तब तक हम लोगों ने पेट्रोल भी नहीं डाला था, तो गाड़ी जब तक बंद नहीं हो जाती तो क्लियर माइलेज रहेगा कि कितना 1 लीटर में देगी। तो शायद द एंड, 200 मीटर और रन हो जाए। ओके थोड़ा सा बंद करेंगे इसको गाड़ी को, एक और स्टार्ट लेंगे, जितना पेट्रोल है सब निचोड़ लेंगे, और जो पेट्रोल है उसको पूरा ख़त्म करते हैं। के भाई ये 50 मारने वाली है, ये हाफ सेंचुरी मारेगी। कर दिया भाई 50, कंप्लीट कर दिया भाई। ओके लास्ट कॉल, खत्म। अब इसके साथ ज्यादा जबरदस्ती नहीं करेंगे, एक और ट्राई करेंगे, खत्म, एक और स्टार्ट, ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए, नहीं तो ख़त्म। 50.2 किलोमीटर्स भाई साहब। भाई यार सीरियसली मैं दिखाता हूँ आपको, आप ये देख सकते हो, ट्रिप टू 50.2 थी, बट ये 50.0 भी दिखा रहा है। मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक मिनट, ट्रिप वन और ट्रिप टू 50 दिखा रहे हैं राउंड फिगर में, बट ये 50.2 गई है। अगर 50 भी आप मानते हो फिर भी, इसको रिफ्यूल करते हैं। तो रिफ्यूल कर दिया यार, अब इसको स्टार्ट करके देखते हैं, एक टच में स्टार्ट होती है कि नहीं स्टार्ट होती। मेरी V3 तो जैसे रिफ्यूल करो तुरंत 1 टच में स्टार्ट हो जाती है। न्यूट्रल है, देखो उधर पे न्यूट्रल है, न्यूट्रल है।
वन टू क्या लगता है स्टार्ट होगी भाई? यामाहा की बाइकों के ही बढ़िया है यार, पेट्रोल सूंघती तुरंत स्टार्ट हो जाती है। तो आप अगर एक बार स्प्लेंडर और एक बार पैशन प्रो का कंपैरिजन करोगे माइलेज के हिसाब से तो बाप है सबकी ये, क्योंकि स्प्लेंडर भी 45 का देती है, पल्सर 150 आपका देती है 45 का, और अगर ये 50 दे रही है और इतने बढ़िया पावरफुल इंजन के साथ इतना प्लान कर रहे हो किसी बाइक का, तो भाई मेरे हिसाब से गो फॉर इट। R15 वर्जन 4 आप ले सकते हो, M ले सकते हो, बट आपको थोड़ा सा अपडेटेड चीज़ चाहिए तो आप M पे जाओ, बहुत बेस्ट चीज़ है, रिफाइंड इंजन है, हद से ज़्यादा स्मूथनेस है, और जो क्विक शिफ्टर की बात ही अलग है जो इसी में मिल रहा है। तो अगर इस वीडियो से आपको कोई भी हेल्प मिली हो तो वीडियो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इंस्टा आईडी आपको फ्लैश हो रही है, इंस्टा पे कर लो फॉलो, मेरी वीडियोस के अपडेट इंस्टा पे पहले आ जाती है यूट्यूब से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट सेफ राइट आर्ट, बाय बाय।